हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम साक्षी गोनियाल और हैप्पी दिवाली सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली। इस दिन का मतलब हम कितना वेट करते हैं, जब दिवाली आएगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे एंजॉय करेंगे, और फाइनली आज दिवाली आ गई है। तो इस दिवाली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैंने अभी बस चाय चढ़ा दी है सबके लिए दिवाली पे, सबको मैं तरफ से चाय पार्टी दे रही हूँ। और उसके बाद मुझे और आगे जो जो काम है मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले आपको चाय दिखाती हूँ अपनी। ये मेरी चाय हो रही है यहाँ पे तैयार। तो यार मैं अभी सबको बाहर चाय लेके आ गई हूँ, और अब मुझे काफ़ी सारे काम है। पहला तो ये है कि मेरे को जाना है नहाने के लिए, हेयर वॉश करना है, और दिन हो गई है सुबह। वैसे तो मुझे काम कर लेना चाहिए था बट अब लेट हो गई सुबह से। मैं वो थी मतलब उठी लेट थी, फिर फ़ोन वगैरह आ रहे थे तो फिर मैं सबसे बात करने में लग गई, तो इसलिए वहाँ पर लेट हो गया। और उसके बाद मेरे को मतलब तैयार भी होना है और दिए वगैरह जलाने हो तो शाम को। और यार मेरी ना आज शिफ्ट भी है, बताओ लोगों के ऑफिस वाले क्या क्या गिफ्ट देते दिवाली में। और मेरे ऑफिस वाले ने मुझे 2 घंटे का काम दिया है, तो 7 से 9 तक मेरी शिफ्ट है। कुछ एक्टिविटी है हमारे उसमें क्लाइंट साइड पे, तो उसके लिए फिर लॉगिन करना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। तो उससे पहले मैं ट्राई करती हूँ कि जितना जो कुछ मतलब कर सकूँ ना, जितना भी डेकोरेशन वाली थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई वो सब, तो वो करूँगी। और फिर मैं बाद में आपको ना वो भी दिखाऊंगी, मम्मी ने मंदिर इतना प्यारा सजाया ना, तो मैं बाद में वो भी दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं चलती पहले नहाने के लिए। और मैंने उस दिन प्रोडक्ट्स दिखाए थे ना लगे थे पर्पल से, तो आज मैं यूज़ करूँगी उसमें से एक तो कंडीशनर और एक ये फेस वॉश है, ये यूज़ करूँगी। तो अभी जल्दी से फटाफट से जाती हूँ और नहा के आते पहले, तो उसके बाद मिलती हूँ। तो यार मैं आ गई नहा के और हेयर वॉश भी कर लिया, उसके बाद मैं बाहर चली गई थी घर वाले रूम में और हम मैच देख लेंगे इंडिया का। क्या बैटिंग हुई है, 410 का स्कोर दे रखा है, टारगेट 411 का, और मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देख के। और दिवाली पार्टियां हो गई शुरू। अब मैंने ऑर्डर करा है बर्गर किंग से, तो अभी 2-3 मिनट में डिलीवर होने वाला है। मैंने लोकेशन चेक कर लिया, आसपास ही है, तो 2-3 मिनट में मेरा ऑर्डर भी आ जाएगा, उसके बाद हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी। तो एक बार ऑर्डर आ जाए उसके बाद फिर दिखाती हूँ। तैयार आ गया हमारा ऑर्डर बर्गर किंग से, अब जाते हैं और ये बर्गर इन्जॉय करते हैं। तो यार मैंने बर्गर किंग से मंगाया सबके लिए ये वेज पॉपर और साथ में कोल्ड ड्रिंक, तो अब जल्दी से सबको दे देती हूँ, उसके बाद इन्जॉय करते हैं इसको। तो यार बर्गर तो खा लिए और अब 7 बजे बचने वाले हैं। इससे पहले कि मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाए जल्दी से जाके पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, जो भी सूट पहनना है जल्दी से वो पहन लेती हूँ, और फिर दिवाली की पूजा भी करनी है तो आपको मंदिर भी दिखाऊंगी और फिर मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि फिर अगर शिफ्ट स्टार्ट हो गई तो फिर बीच में टाइम नहीं मिलेगा वहाँ से जाने का, तो इसलिए फिर मेरे पास 5-10 मिनट ही है, बस जल्दी से मैं एक बार चेंज करके फिर दिखाती हूँ। तो यार मैं हो गई हूँ तैयार, कैसा लग रहा है बताना। वैसे तो ठीक ही है, वैसे मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे किया नहीं है। मेरे को एक सूट मिला जो मैंने ऑर्डर किया था दिवाली के लिए, वो तो पहुँचा नहीं, तो फिर मुझे ये वाला सूट मिला तो मैंने यही पहन लिया। वैसे तो ठीक लग रहा है यार। तो हैप्पी दिवाली सबको, अब चलते हैं यार बाहर और पूजा करते हैं दिवाली की, तो फटाफट से अब चलती हूँ। तो यार मैं अब दिखाती हूँ कि मंदिर कैसे डेकोरेट किया है, और इसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, मेरी मम्मी ने सारा डेकोरेट किया है। तो अब मैं दिखाती हूँ। पूजा तो कर ली है, पूजा करके आ गई वापस, और अब मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दिखाया, मैंने लैपटॉप लगा दिया, तो अब बस लॉगिन कर रही हूँ, फिर अभी ये थोड़ा बहुत जो भी काम आएगा वो करना है, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं। सर अब हम जला रहे सारे के सारे दिए जितने भी हैं, तो कुछ तो हमने बाहर लगा दिए और कुछ अभी थोड़े से और रह गए बाकी घर में लगाने के लिए, तो अब बस दिया जलाते हैं। से ऑफिस तो मेरा चल ही रहा है बट अभी ऐसे कुछ काम तो आया नहीं है, तो मैंने लॉगिन करके तो रख दिया है, जब कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे तो फिर वो मैं चेक कर लूँगी। और अभी मैं सोच जब तैयार हो गई हूँ तो एक एक करके अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल कर लेती हूँ और अपने कजन्स को भी कॉल कर लेती हूँ, सबको दिवाली विश कर लेती हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ भी अगर रिकॉर्ड हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, नहीं तो मैं जल्दी से आती हूँ उनसे बात करके। सब बोलो चलो। हेलो
गाली बोलो, आगे नमस्ते करो, मुझे जाके ऑफिस खत्म हुआ है, 9:15 हो गए हैं और अब जाके मैंने लॉग आउट कर दिया फाइनली। मैंने कहा चलो मेरी शिफ्ट पूरी हुई है। और यार वैसे तो मेरा प्लान था आज की डिनर करने भर जाएंगे, बट शाम को जो बर्गर खाया उसके बाद मतलब हैवी हो गया, तो अब कुछ खाने का मन तो नहीं करा। बट थोड़ी देर में सोच रही मैगी बना ली, तो उसके बाद फिर देखते अगर मन करेगा तो फिर मैगी बनाऊंगी, नहीं तो वैसे मैंने बोला तो है कि अभी कहीं बाहर चलते हैं। बहुत ही तेज ऐसे पटाखे फूट रहे हैं, इतने सारे पटाखे यहाँ पे, तो 2-3 दिन पहले से ये मरनी शुरू हो गई तब से पटाखे फूट रहे हैं, और आज तो अलग ही लेवल के पटाखे फूट रहे हैं। मतलब कॉन्टिन्यूस आवाज़ आ रही है, एक मिनट भी ऐसा नहीं है, मतलब 10 सेकंड भी ऐसा नहीं है कि आवाज़ ना आए पटाखों की, या कॉन्टिन्यूस फट रहे पटाखे। तो देखते हैं अगर बाहर जाएंगे तो फिर बाहर का भी दिखाती हूँ। मैंने अपने सारे दोस्त से बातचीत हो गई और बाकी अपने कज़न से भी कर दी, और अब मुझे लगने लग गया थोड़ी थोड़ी सी भूख, तो मैं जा रही हूँ अब मैगी बनाने के लिए। तो एक बार मैगी बनाती हूँ उसके बाद फिर मिलती हूँ। यार मेरी मैगी तो बन के तैयार है, अब मैं कुछ साथ में सीरीज लगा देती हूँ, उसके साथ मैगी खाती हूँ। और यहाँ इतने पटाखे फूटे हैं ना, मतलब मैंने कई सालों बाद इतनी आवाज़ सुनी है पटाखों की, क्योंकि दिल्ली में तो बैन नहीं करती है तो इतने वहाँ पे फूटते नहीं पटाखे, बट यहाँ इतने पटाखे फटे हैं, मतलब थोड़ी देर भी नहीं हुआ मतलब शांति हो, तो इतने सारे पटाखे फट रहे हैं। और कुछ दिन बाद यहाँ पे आई थिंक न्यू ईयर है गुजरातियों का, तो तब तो इससे भी डबल ट्रिपल पटाखे फटते हैं, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा है। तो उस दिन का तब देखते हैं कि कुछ ब्लॉग करने नहीं, अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एक और बार मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना, और मिलते हैं बहुत जल्दी नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।